Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. So Oppo launched the A7 smartphone in China, and this device design is quite similar to the Oppo F9 and the Oppo F9 Pro. Generally Oppo A series smartphone mid range category mein aata hai, jo aapko milega under 20,000 ki price range pe, aur ye device India pe bahut hi jaldi launch kiya jayega. So chaliye video pe aage badhte hai aur main is video mein isi Oppo A7 ki price, specification and India release date ki bare mein baat karenge. So this is your host SD and without any more time, let's get straight into this video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बात करें डिवाइस की डिजाइन के बारे में, देन इफ यू टेक अ लुक एट द बैक ऑफ द डिवाइस वी सी ए ग्लॉसी फिनिश डिजाइन एंड इट्स लुक रियली गुड। और आप अगर बात करें डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो आप इसमें देख पाएंगे 6.2 इंच IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले विद 81.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड 19.59 एस्पेक्ट रेशियो। और आप अगर बात करें डिवाइस की प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो बेस्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पे विद कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर। और ये आएगा 2 रैम एंड द स्टोरेज वेरियंट के साथ में, जो होगा 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और कैमरे की अगर बात किया जाए, तो आप इसमें देख पाएंगे डुअल रियर कैमरा विद 13 MP मेन कैमरा लेंस विद F2.2 एपर्चर एंड ए 2 MP डेप्थ सेंसर लेंस विद F2.4 एपर्चर लेंस एंड इट विल हैव ए डुअल LED फ्लैश। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओप्पो स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, और ऐसे ही आप ओप्पो A7 पे देख पाएंगे 16 MP F2.0 एपर्चर सेल्फी कैमरा लेंस विद ऑल टाइप ऑफ AI कैमरा ऑप्शन। और इस बार आप ओप्पो A7 पे देख पाएंगे 4230 mAh बैटरी, जो आपको आसानी से 2 दिन बैटरी बैकअप दे सकता है। दोस्तों इस फोन को देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 8.0 ओडियो की ऑपरेटिंग सिस्टम विद कलर OS 5.2 यूजर इंटरफेस। और ओप्पो A7 में एक नया फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो है हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी, जो हेल्प करेगा हाई क्वालिटी गेम को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए, और इससे आप एक एनहांस गेमिंग एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो आप अगर बात करते हैं डिवाइस की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। और इंडिया में जब लॉन्च होगा, चाइना की प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस हो सकता है 16,500 रुपीज के आसपास, और इसका हाई एंड वेरियंट जो आएगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, उसका प्राइस हो सकते है 19,000 रुपीज के आसपास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा, वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।